बुंदेलखंड की में किस तरीके की राजनीति हो रही है, वहां के मूलभूत क्या मुद्दे हैं। बुंदेलखंड को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले भारतीय जनता पार्टी के कई बार, जहां तक मेरी जानकारी है, 5 बार विधायक रहे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री और विधायक रहे, और अब कांग्रेस पार्टी में हैं। ऐसे नेता से तारुफ कराता हूं, कुंवर बादशाह सिंह का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। बादशाह सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया और एक इंसाफ सेना बनाई। वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता से पहले एक बुंदेलखंडी हैं, और बुंदेलखंडी होने के साथ साथ इंसाफ सेना के संस्थापक भी हैं, और उनकी इंसाफ सेना ने तमाम काम वहां बुंदेलखंड के लिए किए हैं। बादशाह सिंह जी, बुंदेलखंड की स्थिति, परिस्थिति और मौजूदा राजनीति पर आपकी त्वरित टिप्पणी चाहूंगा। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में झांसी में उन्होंने और माननीय नितिन गडकरी जी और आदरणीय उमा श्री भारती जी ने जनसभा में ये घोषणा की थी कि केंद्र में अगर हमारी बहुमत की सरकार आई तो हम बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा देंगे। उस वादे को केंद्र सरकार पूरी करे, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति की यही केंद्र सरकार से आशा भी है और उम्मीद भी है। आजादी के 75 सालों में देश के तमाम पिछड़े क्षेत्र का जो विकास हुआ है उसकी तुलना में बुंदेलखंड का कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे घटिया किस्म के अधिकारी दंडित करने के तौर पर बुंदेलखंड में पोस्टिंग पर भेजे जाते हैं, और आज भी यहाँ बेरोजगारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अन्ना पशुओं की समस्या यहाँ बहुत भयंकर है। सारी जितनी पिछड़ेपन की निशानी है वो हमारे क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। कहीं कोई बड़ी उद्योग नगरी की कोई स्थापना नहीं हुई। भरुआ सुमेरपुर की जो उद्योग नगरी थी वो पूरी तरह उजड़ चुकी है। कुछ गिनती के प्रतिष्ठान चल रहे हैं, बाकी ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। जिस मिट्टी ने संकट के समय देश के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के संघर्ष किया, वहां के लोग पलायन को मजबूर हैं, भूख और गरीबी और कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने हमेशा एक ही नारा दिया, खुशहाली का संदेश बुंदेलखंड प्रदेश। बादशाह सिंह जी, आप अलग क्यों बुंदेलखंड मांग रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक सरकार वहां की कह रही है कि भाई बुंदेलखंड पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पैकेज दिया था, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। आप जमीन पर वहां चीजों को देख रहे हैं, बेहतर बता सकेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बना दिया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया है, इससे तो विकास की गंगा बहेगी। अभी जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं शुक्रवार को, वो अर्जुन सहायक जो योजना है उसका लोकार्पण करेंगे, उसको शुरू करेंगे। क्या ये तमाम बातों, तमाम विकास के जो रोडमैप उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अलग राज्य होना चाहिए, क्यों? पहली बात तो मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि जिस समय हमारे देश को आजादी मिली, मैं आपको एग्रीमेंट दिखाऊंगा, उस समय हमारे देश में बुंदेलखंड के जो राजा और जागीरदार थे उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी और उनके जो मुख्य सचिव थे उनसे कहा कि हम राष्ट्र के व्यापक हित में अपने राज्य और जागीरें भारतीय संघ में विलय कर रहे हैं और भारत में को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। हमारे राज्य न रहने के बाद हमारे राज्यों में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका हक और अधिकार ना मारा जाए, इसके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। वो एग्रीमेंट की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके तहत विंध्य प्रदेश नाम से एक नया राज्य बना, नौगांव राजधानी बनी, स्वर्गीय कांता प्रसाद सक्सेना उसके प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, फिर दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह रहे। इसके बाद उस राज्य को तोड़ करके आधा उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया।
मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक भाई साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जिस मिट्टी में हीरा निकल रहा हो, जहाँ पर यूरेनियम हो, जहाँ ललितपुर में अभी सोने के भंडार निकले हैं, जहाँ पर आयरन और हो, जहाँ डोलोमाइट हो, जहाँ पर रेडोक्साइड हो, जहाँ पर राग फास्फेट के पहाड़ हो, जहाँ पर गिट्टी और बालू प्रचुर मात्रा में हो, चंदन शीशम और सागौन के जंगल हो, हमारी खुद की बिजली है जो माता टीला राजघाट और पारीछा से पैदा होती है, दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है, इसके अलावा खजराहा जैसा विश्व का जाना माना पर्यटक स्थल है, ओरछा है, चित्रकूट है, चंदेरी है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किला कालिंजर है, वहाँ के लोग आज गुजरात जा रहे हैं काम करने, जहाँ गुजरात में तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई वन और खनिज संपदा है, और उसका सबसे बड़ा राजनीतिक खामियाजा हमने ये बदला। हमारे दर्द को आप समझिए कि इसके पहले बुंदेलखंड में 21 विधायक होते थे जी, आज 19 बचे हैं, और परसीमन जो हुई उसका आधार जनसंख्या माना गया, तो हमारे जो लाखों की संख्या में लोग बाहर गए उसमें से 80% लोग लौटे, 20% लौटे ही नहीं। जी जी, जब 21 विधायक मिलकर के यहाँ का पर्याप्त और समुचित विकास नहीं कर सके तो अब 19 विधायक रह गए हमारे, मतलब दो और कम हो गए, तो यहाँ की जो समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक, एक ही संकल्प, एक ही विकल्प, खुशहाली का संदेश बुंदेलखंड। बासा सिंह जी, बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि भाई कामता प्रसाद सक्सेना पहले चीफ मिनिस्टर थे विंध्य प्रदेश के, 6 जिले उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिएगा, 7 जिले उत्तर प्रदेश के और बाकी मध्य प्रदेश के जिले, इनको तोड़ दिया गया, विंध्य प्रदेश को और दो राज्यों में बांट दिया गया, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएगी, या प्रधानमंत्री जब शुक्रवार को आएंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा कर दें राज्य के मुतालिक? देखिए, मैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मैं बड़ी बेवाक बात करता हूं, मैं दल वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं दिल वाला व्यक्ति हूं। कई बार मैं जिस दल में रहा उसकी सरकार होने के बाद भी जब मुझे लगा कि कोई ऐसा कानून आ रहा है या कोई ऐसी व्यवस्था आ रही है जिससे हमारे लोगों को असुविधा हो सकती है, मैंने दल से ऊपर उठ करके उसमें संघर्ष किया। आप याद करिए कि जब महोबा को पृथक जिला बनाने का आंदोलन स्वर्गीय पुष्कर जी चला रहे थे तो मैं रूलिंग पार्टी का विधायक था, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री और नेता होते थे जी। उस समय जब हमारे लोग विधानसभा भवन के सामने धरने पर बैठे तो मैं सत्ताधारी दल का विधायक होने के बाद भी अपने लोगों के साथ बैठा था और मैंने गिरफ्तारी दी थी जी। तो मेरी प्राथमिकता मेरी मिट्टी और मेरे लोग हैं जी, और मैं राजनीति में पैसे के लिए नहीं आया हूं। हमारा जो सपना है वो विकास का सपना है, हमारे लोगों का जो गौरवशाली इतिहास है वो विलुप्त तो ना हो, हमारी परंपराएं ना मिट जाएं, और इतनी बड़ी भीड़ में हम लोग कहीं खो ना जाएं। और आप भी देख रहे हैं कि जितने नए राज्य बने हैं उनमें प्रति व्यक्ति औसत आय भी बढ़ी है, रोजगार के साधन भी बढ़े हैं, तो ये राष्ट्र के लिए भी शुभ है कि अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम देश की तरक्की में भी अपनी एक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है मुझे कि बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाएंगे। अभी देश में कई राज्य बनाए जा चुके हैं और हमारी मांग सबसे पुरानी भी है और सबसे ज्यादा तर्क संगत भी है और सब कुछ प्रमाणित भी है। बहुत बहुत शुक्रिया वासा सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, आपको शुभकामनाएं कि जो आपके लोग हैं यानी बुंदेली लोग हैं, बुंदेली कल्चर, बुंदेली संस्कृति, उसका संरक्षण अनुरक्षण हो और उनकी मांग सरकार अगर ठीक समझती हो जरूर पूरी करे, मेरी शुभकामनाएं आपको। तो बुंदेलखंड की जो स्थिति है वो आपने देखी कि क्या स्थिति है, कल्चर का कुल मिलाकर वहाँ का कल्चर मिट रहा है, पलायन हो रहा है, पानी का संकट है, रोजगार का संकट है, तमाम अलग अलग तरीके से बुंदेलखंड को देखने की जरूरत है। केवल ये नहीं कि आप केवल एक्सप्रेसवे बना देंगे तो बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा, कोई एक रिमोट से विकास नहीं होने वाला वहाँ, क्योंकि
मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूँ, 30-32 साल मैं इस पेशे में हूँ, उससे पहले से भी मैं अपने नाते रिश्तेदारियों में जाता रहा हूँ वहाँ पर, तो मैंने देखा है कि क्या स्थिति है, कैसे लोग जीते हैं, कितनी गंभीर स्थिति है, बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति है। खैर, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, 19 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो हो सकता है कि बुंदेलखंड राज्य के लिए एक नई सुबह हो, बुंदेलखंड के लिए एक नई सुबह हो, माफ कीजिएगा अभी राज्य नहीं बुंदेलखंड, लेकिन बुंदेलखंड के लिए एक नई सुबह हो सकती है। वो जो बासा सिंह बार बार बता रहे थे ना कि वो विंध्य प्रदेश नाम का एक राज्य था, तो वही इंप्रेशन मेरे दिमाग में था, एक बुंदेलखंड जो पूरा क्षेत्र है वो उसका समग्र विकास हो, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के लोगों के लिए, बुंदेली कल्चर को संजोने वाले लोगों के लिए, यहाँ के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आएँ।